चैप्टर नंबर 5 समझ गया। पेज नंबर 29 पेज नंबर 29 पेज नंबर 29 जुड़िए और समझिए। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके धान के खेत थे। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया। चुनमुन ने क्या बनाया? घोंसला बनाया। उसके दो बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। तो वो चिड़िया के दो बच्चे थे, मुनमुन और टिनटिन। बच्चों, आपने रंगीन शब्दों को पहचाना। ये सब नाम है। जो ये रंगीन शब्द आए, ये जो पैराग्राफ मैंने रीड किया उसमें जो रंगीन शब्द आए ब्लू ब्लू अक्षर के, तो वो क्या है? नाम है। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, अभी मेरा नाम है, आपका भी नाम है। हम सब लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, कैसे बुलाते हैं? अपने अपने नाम से बुलाते हैं। अगर मुझे आपका नाम नहीं मालूम है तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? तो ये नाम है जो हम लोग एक दूसरे को अपने नाम से पहचानते हैं, ठीक है? और ये जो नाम है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। मैं जो बोर्ड पे लिख रही हूं वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, वस्तु, स्थान, आदि के नाम को नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, हिंदी की नोटबुक में सबको ये लिखना है।
कंप्लीट, रेज योर हैंड। क्लास चालू है, चार बच्चे जुड़े हुए हैं, ट्राई करो। Complete. Write fast, beta. Okay. Okay, now turn your page. Turn your page, page number 30. देखो नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए, देखो वासु, नानी, नेहा, तो ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम है ना। जैसे हम सबके अलग अलग नाम है। फिर देखो पशु पक्षी और कीट पतंगों के भी नाम होते हैं, बिल्ली, तितली, बतख, तो ये सब किसके नाम है, किसके नाम है ये सब। यस, वेरी गुड, पशु पक्षी और कीट पतंगों के नाम है। फिर देखो नीचे जगहों और स्थानों के नाम, चिड़ियाघर, इंडिया गेट, जंगल, ये सब किसके नाम है, जगह हो या स्थान के नाम है। फिर वस्तुओं के नाम, घड़ी, खिलौना, पलंग, ये सब क्या है, वस्तुओं के नाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त,
पीतंबर। पीतंबर अक्टूबर। नवंबर। और लास्ट है दिसंबर। रीड करो और लिखो नोटबुक में।